अस्सलाम वालेकुम प्रो पाकिस्तानीज, मेरा नाम है अकरम अली और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तानी टेक। आज की वीडियो में हम अगले 30 से 40 दिनों में आने वाले जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनकी टेक न्यूज़ लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएँ। अगर बात की जाए सितंबर ऑनवर्ड्स फ़ोन के लॉन्च होने की, तो जो सबसे पहले नंबर पर डिवाइस है जो सबसे रिसेंटली लॉन्च होगी वो है दी मोस्ट वेटेड ओप्पो रेनो 4 प्रो। अब ओप्पो रेनो 4 प्रो का यूनिट तो हमारे पास आ चुका है बट वी आर अंडर एम्बार्गो, तो हम आपको दिखा नहीं सकते। बट जो उसकी डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो द डिवाइस इज़ अ बिग बैड डिवाइस। आई मीन इसके अंदर स्नैपड्रैगन 720G आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। डिवाइस देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो हमें स्क्रीन साइज़ देखने को मिलेगा वो 6.5 इंचेस है और 4000 mAh की बैटरी है। ओप्पो रेनो 4 प्रो की अगर प्राइस की बात की जाए तो आइडिया नहीं है, बट इट शुड बी एन आइडियल प्राइस, क्योंकि रेनो सीरीज़ को लेके प्राइस में काफ़ी कंप्लेंट आती है। बट आई होप सो कि ओप्पो इस दफ़ा उस पर काम करेगा। अगर नेक्स्ट डिवाइस की बात की जाए तो वो भी वन ऑफ दी मोस्ट एंटिसिपेटेड डिवाइसेस में से एक है, एंड दैट इज़ हुआवे Y9A। अब हुआवे Y9A इज़ डेफिनेटली अ डोप लुकिंग डिवाइस। नोवा 7i के बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली डिवाइस होगी, बट द मेन थिंग इज़ स्टिल देयर कि वी वोंट बी हैविंग एनी गूगल सर्विसेज। बट उसके अलावा इस डिवाइस की अगर बात की जाए तो 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देन हमारे पास जो उसके अंदर प्रोसेसर है उसकी अगर बात की जाए तो मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। इसके अलावा 4300 mAh की बैटरी है और हमारे पास 6.63 इंचेस की 1080p स्क्रीन है जो कि बेसिकली एक IPS LCD है। तो ओवरऑल ये Y9A अपनी जो पर्ल सर्च को लेके या हुआवे मोबाइल सर्विसेज को लेके मार्केट में एंटर होगी और हुआवे लवर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी ट्रीट होने वाली है। बाकी जब ये डिवाइस हमारे पास आएगी इसकी अनबॉक्सिंग्स और रिव्यू के बाद ही बता सकेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिवाइस की बात करें तो वीवो अपना एक यू नो अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है और वो है वीवो Y51। वीवो Y51 2020 एक खूबसूरत दिखने वाली डिवाइस है, क्योंकि इसकी टीज़र के अंदर जो इसका बैक पैनल दिखाया गया था वहाँ पे एक डायमंड कट आउट कैमरा बम्प इंट्रोड्यूस करवाया गया और कलर यू नो फिरोज़ा टाइप का स्काई ब्लू इस टाइप का एक कलर मैंने देखा था जो कि उन्होंने टीज करवाया था, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी डिवाइस है। Y51 को लेके ज़्यादा डिटेल नहीं है। जो पहले वीवो का Y51 था वो 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में था। इस फ़ोन की प्राइस अंडर 35,000 रुपीज़ होने वाली है। इसकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स सब कुछ ही दिनों में पता चल जाएंगे तो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इसके अंदर S1 Pro जैसा यू नो वो बैक कैमरा पैनल है उसी से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अब नेक्स्ट इज़ दी मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड अवेटेड डिवाइस इन टर्म्स ऑफ बजट या यू नो लोअर मिड रेंज या स्टार्टिंग मिड रेंज की अगर हम बात करें तो इन्फिनिक्स अपना 08 लॉन्च करने को है। हमारे पास है डिवाइस बट अंडर एम्बार्गो है, तो ना उसकी कोई पिक्चर शेयर कर सकते हैं और ना ही उसकी कोई वीडियो आपको दिखा सकते हैं। बट उसकी अनबॉक्सिंग भी की जा चुकी है, अब जब एम्बार्गो ख़त्म होगा तभी पब्लिश करेंगे, लेकिन फ़ीचर्स भी वही बताएंगे जो पब्लिकली अवेलेबल हैं। तो इन्फिनिक्स 08 के अंदर हमें 6.85 इंचेस का 1080p 90 हर्ट्ज़ के साथ रिफ्रेश रेट जो है उसके साथ देखने को डिस्प्ले मिल रहा है। गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में 6.9 इंचेस का डिस्प्ले यूज़ किया गया है, सो आप देख सकते हैं कि तकरीबन इस जितनी वो डिवाइस लाजमी होगी। उस डिवाइस के बाकी फ़ीचर्स की अगर हम बात की जाए तो हमारे पास मीडियाटेक हेलियो G90T का प्रोसेसर आने वाला है। दैट मीन्स के गेमर्स के काफ़ी मज़े होने वाले हैं। बैक उसका जो डिज़ाइन है वो भी लाइक एक डायमंड कट कैमरा जो इंट्रोड्यूस किया गया उसके अंदर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। देन हमारे पास ड्यूअल पंच होल कटआउट के अंदर सेल्फी कैमराज हैं। उन सेल्फी कैमराज की अगर हम बात करें तो 48 मेगापिक्सल का मेन जबकि 8 मेगापिक्सल का एक और सेंसर दिया गया है। इस फ़ोन की बैटरी 4500 mAh की है और ये फ़ोन अपने साथ 33 वॉट का फास्ट चार्जर लेकर आ रहा है।
और अगर इन्फिनिक्स 08 की प्राइस की बात की जाए तो अंडर 40,000 इसकी प्राइस होने वाली है, जो कि काफ़ी हद तक जस्टिफाइड प्राइस टैग है। तो 08 काफ़ी तहलका मचाने वाला है। अब नेक्स्ट इज़ वी डू हैव इन्फिनिक्स हॉट 10। इन्फिनिक्स हॉट 10 08 से पहले लॉन्च की जाएगी। ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा। इसकी फीचर्स, इसके प्राइस बिल्कुल अननोन है, ना ही हमारे पास इस डिवाइस की कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 10 एक डिवाइस आने वाली है। अप नेक्स्ट इज़ वी डू हैव रियल मी C17। ट्रस्ट मी, हमारे पास ये यूनिट भी आ चुका है, बट वी आर अंडर एक्सट्रीम एम्बार्गो। रियल मी C17 की बात की जाए तो हमें स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी और 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं इसकी कोई भी स्पेसिफिकेशंस या डिटेल्स को रिवील नहीं कर सकता, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वन अमेजिंग डिवाइस, क्योंकि सी सीरीज़ काफ़ी हद तक मार्केट में कामयाब है। तो प्रो पाकिस्तानीज, ये थी टेक न्यूज़ और अपडेट्स के जितने भी स्मार्टफोन्स जो अपकमिंग हैं। दो उनमें से मोस्टली हमारे पास हैं, बट हमने आपको वही इन्फॉर्मेशन दी जो पब्लिक है। लेकिन एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ देखने के लिए और इस तरह की टेक न्यूज़ देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।